हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओप्पो मोबाइल में फ़ोन डायलर वाला ऑप्शन कैसे लाएं या कैसे इनेबल करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी ऐप मैनेजमेंट या ऐप मैनेजर या ऐप नाम का, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। तो गाइस, आपको इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप या ऐप लिस्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर की साइड दो या थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा या मोर का, इस पे क्लिक करना है। फिर आपको शो सिस्टम पे क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे सभी ऐप्स आ जाएंगे। अब आप सर्च बार में क्लिक करके लिखना फ़ोन। तो जैसे ही फ़ोन लिखेंगे तो यहाँ पर फ़ोन आ जाएगा। आपको फ़ोन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप के बगल में एक इनेबल का ऑप्शन मिलेगा। इनेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ओके कर देना है या इनेबल पे क्लिक कर देना है। फिर आपको बैक आना है, फिर आपको दूसरे वाले पे क्लिक करना है और चेक करना है कि ये इनेबल है कि नहीं है। अगर ये भी इनेबल नहीं रहेगा तो इसे भी इनेबल कर देना है। इसी प्रकार फ़ोन सर्विस पे क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पर फिर आपको ऊपर सर्च बार में फिर से क्लिक करना है और इसे कट करके लिखना है कॉल। तो जैसे कॉल लिखेंगे तो कॉल मैनेजमेंट आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर चेक कर लेना है ये इनेबल है कि नहीं है। अगर ये इनेबल नहीं रहेगा तो इसे भी यहाँ से इनेबल कर देना है और ओके कर देना है। फिर आपको बैक आ जाना है मोबाइल के होम स्क्रीन पर। अब गाइस, क्या करना है, इंटरनेट को चालू करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है, सर्च बार में क्लिक करके लिखना है कॉन्टैक्ट। तो जैसे आप कॉन्टैक्ट लिख कर सर्च करेंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये भी यहाँ से इनेबल है कि नहीं है। इनेबल नहीं रहेगा तो यहाँ से इनेबल करके आप इसे अपडेट कर लेना। देखिए मैंने कर रखा है। फिर आपको सर्च बार में क्लिक करना है और फिर आपको लिखना है डायलर, और लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए इनेबल का ऑप्शन मिलेगा या इंस्टॉल का। तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस वाले पर, और यहाँ पर चेक कर लेना है कि अपडेट है कि नहीं है। अगर अपडेट नहीं रहेगा तो अपडेट कर लेना, अगर इनेबल नहीं रहेगा तो इनेबल यहाँ से आप कर लेना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर आपको सर्च बार में क्लिक करके लिखना है फ़ोन। जैसे ही फ़ोन लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा नीचे इंस्टॉल या इनेबल का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करके आप इसे यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, देखिए, या अपडेट भी कर सकते हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद सिंपली मोबाइल के होम स्क्रीन पर आना है और अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट या रिबूट कर लेना है, या स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कर सकते हैं। फिर आपके मोबाइल में डायलर वाला ऑप्शन आ जाएगा, फ़ोन डायलर वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप इसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।